जस्ट बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं, दैट डजंट मीन कि हम उनके इमोशंस को सैबोटाज करें या उनकी रिस्पेक्ट ना करें. एम्पैथी का एलिमेंट आई थिंक नीड्स टू कम बैक. पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट जरा हो जाते हैं. वजह जो मैं समझा हूँ जब मैंने इन बच्चे बच्चियों को करीब से देखा है इज बिकॉज दे वॉन्ट अटेंशन, दे वॉन्ट लव एंड दे हैव नॉट फाउंड दैट लव एट होम. माँ बाप सेपरेटेड है, फैमिली तबाह हो गई है, बाप सारा दिन पैसा कमाने में लगा है या दुबई क्या है, 5 साल से वापस नहीं आया, अम्मा श्रग ऑफ कर देती हैं, बहन भाई अपने बिजी हैं, बाकी भी कोई सेटअप ही नहीं है, बेतहाशा अग्रेशन भरी हुई है एंड वो अग्रेशन कहीं निकल नहीं रही. ठीक है, अभी तो वो और वर्सन हो गया है कि बिकॉज दे डोंट रियलाइज देर फिक्सेटेड ऑन देयर सेलफोन डिवाइसेज, फिजिकल स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई हुई है. अच्छा, कोविड पेंडेमिक ने उसको बहुत और ख़राब किया, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना फिर और तरीके से मैनिफेस्ट हो रही होती है. एक हमारे माँ बाप जतला रहे कि इतनी फीसें दे रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, खाना भी खिला, बच्चा कहता है ना खिलाएं, मेरे लिए क्यों कर रहे हैं. लेकिन उसको कहीं अगर हम पहले इसको एक प्रैग्मेटिक जिंदगी में घुसाएं ना, चाहे वो रिवॉर्ड सिस्टम के तहत हो, जहाँ उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े, यूथ में बहुत मैं समझता हूँ एक नोशन बेहतर होगी. तो आई थिंक कि ये हमारे कल्चर में जो शादी का कॉन्सेप्ट है ना टू बिगिन विद, वो सिंपल यही है कि बस घर वालों की मर्ज़ी से कर ली, फिर बच्चे हो गए, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को दादी दादा को पकड़ाना है, विच इज़ ओके, बिल्कुल सही है. लेकिन आई थिंक कि वो विजन की कमी है कि बच्चे कल को होंगे तो उनकी परवरिश कैसे करनी है, एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न आई थिंक पेरेंटिंग में.